नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आरआरबी जेई की वैकेंसी इंक्रीज्ड होगी और क्या न्यूज़ चल रही है आजकल के टाइम में। आपने बहुत जगह देखा भी होगा, तो क्या वो सच है, क्या ये फेक न्यूज़ है, या फिर सही में ये वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है आरआरबी जेई की, वीडियो में जानते हैं और देखेंगे कि यार कितनी अब एक्सपेक्टेशन है कि क्या वैकेंसी इंक्रीज और कब तक हम एग्जाम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चल क्या रहा है। देखो, काफ़ी सारी पेपर कटिंग फैल रही है, आपने टेलीग्राम पे देखी होगी, बाकी यूट्यूब चैनल पे भी देखी होगी। और वो पेपर कटिंग्स ये कह रही है कि आरआरबी में अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो रेलवे डिपार्टमेंट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी है एम्प्लॉयज़ की। इसी वजह से जो प्रीवियसली वैकेंसी निकली थी एएलपी और टेक्नीशियन की, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज को बढ़ाया गया है, ठीक है ना। आइए सीधे उन्हीं पेपर कटिंग की बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, ये अभी तक किसी भी ऑफिशियली ये नहीं बताया गया है। ये अभी धारणाएं चल रही है जो कि इंटरनल सोर्सेज के द्वारा, जो जो पेपर हो के लोग वाले लोग जो होते हैं उनके कुछ इंटरनल सोर्स होते हैं, उन्होंने ये खबर को छापा है। तो पहले बात कर लेते हैं क्या वो खबरें हैं। सबसे पहले बात करूं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा रेलवे कर्मचारी की कमी, वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा। रेलवे के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा और ये बोला गया है कि भाई हमारे पास वैकेंसी है। मंत्री ने लिखे पत्र में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे, नई लाइनों और ट्रेन को ट्रेन बढ़ रही है और इसी वजह से ज़्यादा हमको कर्मचारी की मांग है। ये एक पेपर कटिंग है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। इसी को समकक्ष और देखें हम लोग एक और, तो खुशखबरी, रेलवे भर्ती में पदों को बढ़ने के आसार, अजमेर का ये न्यूज़ है, अजमेर का न्यूज़पेपर में ये आई है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, क्या ये सच है? देखो, अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं, तो अभी आप ये मत सोच के बैठो कि हाँ यार वैकेंसी तो बढ़ने ही वाली है। तो अभी जो भी तुम्हारा जो प्रिपरेशन चल रही है उसको, जो जितनी वैकेंसी आई थी उसी के आधार पर चलते रहिए, द फर्स्ट पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद में क्या वैकेंसी बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी इसके बारे में ही बात करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ दोस्तों, किसी प्रकार की ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है वैकेंसीज को लेकर, ये बात आप समझ लेना, ठीक है ना। तो ये बात हो गई यहाँ पे। अच्छा, एक और डेटा है जिसको जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, वो है कि पहले कितनी कितनी वैकेंसी बढ़ाई गई है। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले एएलपी का फॉर्म आया, स्टार्टिंग में 5696 वैकेंसीज और बाद में उसको बढ़ा के 18799 कर दिया, 18799। उसके बाद में टेक्नीशियन की वैकेंसी वो कितना था, 9144, जो कि बढ़ा के कितनी कर दी गई, 14298 कर दी गई। तीसरा हमारा नोटिफिकेशन कौन सा था, अपना जेई वाला था, देख जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बारे में भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे एक ठीक ठाक नंबर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि सोर्सेज की तरफ से आ रही है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, हम लोगों को अपनी तैयारी पे फोकस करना है। इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है अब मेरी वैकेंसी बढ़ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, जी नहीं, अभी आपको फोकस करना है तैयारी में, क्योंकि ऑलरेडी आप फॉर्म फिल कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई अब कुछ तबाही मच जाएगी, कुछ बढ़िया ही हो जाएगा एकदम से, भाई साहब बहुत ज़्यादा वैकेंसी बढ़ जाएगी। अपना माइंडसेट क्लियर रखें और अपना ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे लगाए रेदर देन डाइवर्टिंग योर माइंड इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। तो ये हमारा इस पूरे वीडियो का मोटिव था कि अगर चाहे वैकेंसी बढ़ भी जाए तो अच्छा है यार, कम तो नहीं होगी, ये तो पक्का है, ठीक है। इसी के लिए टारगेट करें 7951 जो आपकी वैकेंसीज है टोटल, एक बार को इसी के लिए टारगेट करें। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर जोन मैंने ये भर दिया ये सही है क्या, जोन मैंने ये भर दिया ये सही है क्या? देखो मैं बता दूं, सबसे खतरनाक जोन कौन सा है, सबसे खतरनाक जोन है कंफर्ट जोन। अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में रहोगे ना तो वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हें ये एग्जाम क्लियर करना है तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, वो कंफर्ट जोन को छोड़ दो, ये एग्जाम पे क्लियर हो जाएगा। इट डजंट मैटर हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर, और जी हाँ तो फर्क पड़ेगा ही, जी हाँ कट ऑफ का ऊपर नीचे होगा अगर वैकेंसीज बढ़ जाएगी, बट उसके बारे में भी सोचना नहीं है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आरआरबी जेई के लिए,
यहाँ पर। तो आप लोगों के लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं, एंड अभी आई थिंक ये 20 सितंबर तक आप लोगों के बैचेस में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप ED50 कोड यूज़ करते हैं तो RRBJE का बैच हमारा ये राजधानी बैच है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 5500 का मिलेगा आपको, और शताब्दी बैच इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3000 का आपको मिलेगा। अगर आप तैयारी पूरी करना चाहते हैं, मतलब कि सारे AEJE एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए स्पेशल बैच है यहाँ पर हमारा विद्युत महापैक। इसमें सारा टेक्निकल सारा नॉन टेक्निकल सब कुछ कवर है 5000 रुपीज़ में, और इसी का सिर्फ आप टेक्निकल लेना चाहते हैं तो ये 3500 में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन लाभदायक लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।